इस सृष्टि के कण कण में प्रभु है। फोन इस्तेमाल करते हैं आप? नहीं। हर किसी को ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए। तो कहने दो, उनका काम है कहने। सोशल मीडिया पर काफी महीनों से अभिनव अरोड़ा वायरल है, वही 10 साल का बच्चा जो अपने आप को बाल संत, कथावाचक या आध्यात्मिक वक्ता बताता है। ठाकुर जी ने अपनी भक्ति के लिए मुझे चुना है, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ओनली देसी नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाले शख्स ने 2 वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाले। उसमें अभिनव और मुख्य तौर पर उनके पिता तरुण अरोड़ा पर फ्रॉड के आरोप लगा दिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि मेरा बांके बिहारी मुझे अपना कहता है। YouTube का वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कही जाने लगी। अभिनव पर कम, उनके पिता पर ज्यादा हमले होने लगे और अब अभिनव अरोड़ा लीगल रूट लेने की तैयारी में है। हर किसी को ठाकुर जी की भक्ति करनी चाहिए। न्यूज तक ने अभिनव अरोड़ा के पिता तरुण से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर अब मेरे वकील ही जवाब देंगे। अभिनव के वकील एडवोकेट किसले पांडे से न्यूज तक ने संपर्क किया तो उन्होंने जवाब में कहा, हमने ओनली देसी यूट्यूब चैनल के मालिक और उनके साथियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही हम हर्जाना मांगने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का भी रुख कर रहे हैं। वकील ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओनली देसी चैनल ने दूसरों के साथ मिली भगत करके अभिनव के पक्ष पर विचार किए बिना अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए झूठी कहानी का प्रचार किया है। इस तरह के आचरण का कानून की पूरी ताकत से सामना किया जाएगा। तो अब ये पूरा मामला लीगल हो चुका है। दरअसल ओनली देसी चैनल पर 2 पार्ट में जारी किया गया वीडियो का थंब था ब्रेन्स बिहाइंड अभिनव पार्ट 1 और पार्ट 2। पहला पार्ट 2 अक्टूबर को पोस्ट किया गया, दूसरा 13 अक्टूबर को। वीडियो की शुरुआत से पहले एक डिस्क्लेमर चलता है, द कंटेंट इज बेस्ड ऑन ऑनलाइन सोर्सेज एंड मे नॉट बी फैक्चुअल, प्लीज वेरीफाई इंडिपेंडेंटली। वीडियो में आरोप लगाया गया कि अभिनव के पिता तरुण ने पहले आइसक्रीम का बिजनेस फालूदा एक्सप्रेस के नाम से शुरू किया था और उसकी फ्रेंचाइजी बाटी थी। इस बिजनेस के प्रचार के लिए वीडियो शूट हुआ था, उसमें मॉडल भी अभिनव ही थे। वीडियो में वो बिल्कुल सामान्य बच्चे की तरह दिख रहे हैं। जारी किए गए वीडियो में यूट्यूबर ने आरोप लगाया कि तरुण बिजनेस में लॉस और इन्वेस्टर को पैसे वापस नहीं कर पाए, इसलिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर तरुण ने अभिनव के बचपन को दांव पर लगा दिया। जहां अभिनव का ये दावा है कि वो फोन का इस्तेमाल नहीं करते। फोन इस्तेमाल करते हैं आप? नहीं। फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। वहीं यूट्यूबर ने अभिनव के कुछ पुराने वीडियो खंगाल के निकाले जिसमें अभिनव फोन का इस्तेमाल करते हुए दिखे। खिलौनों से भरे कमरे की तस्वीर दिखी, मतलब यूट्यूबर ने यह दिखाया कि कैसे अभिनव नॉर्मल बच्चों जैसे साधारण जीवन जीता है, लेकिन इंटरव्यू में उसके विपरीत बातें गढ़ता है। तो देखिए, व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों ही बहुत जरूरी है। यूट्यूबर ने वीडियो में अभिनव के पिता तरुण अरोड़ा से जुड़े तथाकथित धोखाधड़ी न्यायिक मामले का जिक्र किया। यूट्यूबर ने दावा किया कि अभिनव के पिता को एक व्यवसाय के लिए अपने निवेशकों को पैसे वापस ना करने का दोषी पाया गया है। यूट्यूबर ने दावा किया कि अभिनव जो इंटरव्यू में जवाब देता है वो उन्हें जवाब रटवाए जाते हैं, उन्हें कोई दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। मैं ग्रंथ बहुत सारे पढ़ता हूँ, किताबें बहुत सारी पढ़ता हूँ। वीडियो के आखिर में अंकित ने अपने फॉलोअर से कहा कि वो किसी भी व्यक्ति को आंख बंद करके पालन ना करें जो खुद को भगवान का बच्चा बताता है। देखिए, राधा रानी की कृपा है कि राधा रानी ने मुझे अपना भक्त बनाया। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।